हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज है एक बहुत ही स्पेशल डे। आज हम लेने जा रहे हैं अपनी न्यू कार की डिलीवरी। न्यू कार कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं महिंद्रा थार की डिलीवरी। मैंने इससे पहले बुक की थी महिंद्रा थार 4x2, बट वो मिल नहीं रही थी। उसका वेटिंग पीरियड था 72 वीक्स, अप्रॉक्स 1.5 से 2 साल के करीब जा रहा था। तो ना, वेट करने से बेटर है मैंने सोचा कि 4x4 ही ले लेता हूँ। मैंने बुक की थी 2nd of September को, जो कि आज मुझे डिलीवरी दे रहे हैं। 27th ऑफ सितंबर। चलते हैं एक बार डिलीवरी लेते हैं। दोनों ही कार के अलग अलग बेनिफिट है। महिंद्रा थार 4x2 के अलग बेनिफिट है, 4x4 के अलग है। 4x2 में माइलेज अच्छा है, बट वो सिटी के लिए ऑफ रोडिंग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं आप उससे। 4x4 में आप ऑफ रोडिंग या किसी भी टेरेन में जाके चला सकते हैं, बट इसमें थोड़ी सी कॉस्टिंग ज्यादा है, उसमें कॉस्टिंग कम है। मुझे कितने की पड़ी, क्या क्या एसेसरीज मैंने लगवाई, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में आगे बताता जाऊंगा। जैसे डिलीवरी लेंगे उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा। तो मिलते हैं वीडियो में आगे। फिलहाल हम आ गए हैं शोरूम पे, श्री तिरुपति ऑटो। आई थिंक ये वाली गाड़ी अपनी है। अंकित भी आ गया। The heaviest था। कैसी लगी अंकित, चेक किया अंदर से? अब ये सारी रिसर्च तो हम लोग खड़ी करके अपनी जब आपस में, तब उसके बाद चेक करेंगे। सुनने में आ रहा भैया पंच चलाएंगे भैया। नहीं ऐसे, ये गलत किसने सुना दिया तुमको, ये बताओ पहले। शिवान से कुछ बोल ही नहीं सकता, वो तो मेरी टीम में रहता है। लुक है गाड़ी में। अब मैं पहली बार इस गाड़ी में बैठ के जरा एक बार देखता हूँ। इसमें जो अच्छी चीज़ लगती है वो ये चढ़ने का जो है ना, ये तो क्या डिफरेंट फीलिंग है यार। इसको थोड़ा आगे करना पड़ेगा, तुमने अपने हिसाब से सेट कर दिया बड़े के हिसाब से। अंदर का जो है, बस यहाँ इसमें एक चीज है, जो पीछे बैठने वाले होंगे ना उनको थोड़ा सा सफोकेशन टाइप का क्लोजनेस फील होगी, क्योंकि ना कोई विंडो ओपनेबल है और इसकी वजह से सफोकेशन या कुछ इस तरह फील हो सकता है। बाकी तो यहाँ पर जो इसका स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग में आपको दिया हुआ है वॉल्यूम कंट्रोल दिया हुआ है, म्यूट का बटन दिया हुआ है, उसके बाद रीसेट ऑफ, और यहाँ पे ये प्लस माइनस सेटिंग। किसी के साथ भी सेटिंग करनी, बढ़ानी तो कर लो, कम करनी है तो किसी के साथ भी सेटिंग। ये फोन का है, यहाँ से अगर किसी को फोन लेना है तो यहाँ से ऐसे प्रेस करेगा, नया फोन आ जाएगा। नई कार आपको खरीदनी है तो इससे कर दो, आई मतलब आईफोन वाली कार मिल जाएगी। ये रेडियो, ये रेडियो, अगर रेडियो नया खरीदना है यहाँ से दबा दो। अगर अपने घर अगर अपने घर पहुँचना है तो घर वाला साइड, घर दबा दो, ये दबा दो, नया घर मिल जाएगा, तो आपको घर मिल जाएगा। अगर आपको ऊंचाई पे जाना है तो आप इसको दबा दीजिए, एकदम हवा में पहुँच जाएंगे। कहीं जाना हो तो बिठा ले, घर जाना है तो ये घर दबा रहे हैं, यहाँ से घर दबाएंगे फट से पहुँच जाओगे। टेलीपोर्ट नहीं, ऐसे यहाँ पे ठीक ठाक इन्होंने महिंद्रा की ब्रांडिंग कर रखी है, यहाँ पे भी दे रखी है, इधर भी दे रखी है, 16-17 जगह। हाँ, मॉडल थार और मेड इन इंडिया विद प्राइड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। और कल आनंद महिंद्रा जी पे 300 करोड़ का केस भी हुआ है, वो भी कानपुर के एक आदमी ने किया हुआ है। हाँ, एक्चुअली क्या था, उसका इकलौता बेटा था, ड्राइव कर रहा था, एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उसका ये कहना है कि जो एयरबैग थे वो उसमें थे ही नहीं, तो ओपन नहीं हुए। पहले हम जरा अपनी आगे से अभी और चेक करेंगे थोड़ी सी, फिर उसके बाद जो यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन में अभी फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं कराया, अभी हमने करवाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ बैक कैमरा लगवाया, बाकी मॉडिफिकेशन हम वन बाई वन करेंगे। सो बैक कैमरा अभी पहले इसको ऑन करेंगे और उसके बाद चला के देखेंगे। इसमें जो बैक सीट है, बैक पे जाने का वो प्रोसेस दिखाते हैं कैसे होता है। यहाँ ऊपर वो नीचे करना है, अच्छा ये है, हाँ इसको दिखाना, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पे एक स्विच है, इसको ऊपर करते ऊपर करते ये स्पेस बन जाएगा और इतने में ही जाने को मिलेगा। शिवांश, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? पीछे स्पेस काफी अच्छा है, इधर की तरफ हमें मॉडिफिकेशन कुछ करानी पड़ेगी। हटाया जा चुका है, दुल्हन का दीदार किया जाए। मैं दुल्हन को भी नंबर दूंगा, दुल्हन को भी नंबर मिलेगा, किस नंबर की है। वैसे नंबर जो हमने लिया है वो भी एक VIP नंबर, हम VIP इन द सेंस कह सकते हैं मेरे लिए स्पेशल नंबर, इसलिए हमने वो स्पेशल नंबर लिया, अलग से लिया, और कितने का मिला क्या है वो सब भी आपको आगे बताऊंगा मैं।
लगता है शिवान से। अच्छा लगता है, मैंने आपके लिए मंगाया, आप बैठे थे ना वहाँ पे। फाइनली हमें मिल गई है अपनी कार की की और डॉक्यूमेंट्स। फाइनली भैया आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत बहुत। हाउ कैन यू डिस्क्राइब दिस मोमेंट? आई एम इमोशनल, आई रियली लव दिस मोमेंट। इसके लिए बहुत इंतजार किया, 1.5-2 साल हो गए जब मैं लद्दाख गया था, तब मैंने सोचा था थार लेनी है। अल्टीमेटली दिस इज योर वन ऑफ द फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट। मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि थार क्यों, दो लोग बैठेंगे, ये होगा वो होगा। मैंने कहा नहीं, जब थार लेनी है तो बस थार ही लेनी है, फिर उसमें ये नहीं देखना है कि कितने बैठेंगे और क्या है। चलिए फाइनली लाल, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट क्रैंक। थैंक यू भाई, थैंक यू आपका टाइम निकालने के लिए। और अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। गणपति बप्पा मोरया। आ जाओ भाई, सारे लोग बैठ जाओ। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ से जाएंगे हम लोग पंखी मंदिर, और पंखी मंदिर से फिर वापस आएंगे, फिर उसके बाद लगवाएंगे इसमें नंबर प्लेट, जो कि मेरे लिए थोड़ी सी स्पेशल है, स्पेशल नेम प्लेट है। तो अभी ऑटो कट पे बंद हुआ है और 54 लीटर आया है, 4900 का टोटल डीजल। एक जो इम्प्रेशन होता है कि लोग आसपास के निकले तो देखते हैं कि हाँ भाई थार जा रही है, और गाड़ियां होती हैं तो लोग इतना नहीं देखते हैं। थार थार है, फॉर्चूनर देखते हैं शिवांश को। फॉर्चूनर मेरे को थार ज्यादा अच्छी लगती है। थार अच्छी लगती है, वेरी गुड। मंदिर से आने के बाद अब हम लोग लगवा रहे हैं अपनी नंबर प्लेट, और नंबर प्लेट आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्पेशल है, 2424 जो कि मैंने बनवाई थी। अब लगेगी नंबर प्लेट है भैया, थैंक यू। एक्चुअली शोरूम में नहीं लग पा रही थी इसलिए हम लोग बाहर आए थे, और लगवानी मुझे आज ही थी तो मैंने सोचा आज ही लगवा लूँ। तो फाइनली नंबर प्लेट भी लग गई, और नंबर प्लेट लगने के बाद ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो जाते हुए एक लाइक या सब्सक्राइब करके चैनल जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए वीडियो, थैंक यू।